दाभी आईपीटीवी, सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला अब खत्म हो चुका है और भारत ने एक बार फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, इस जीत से जहां भारतीय फैंस काफी खुश हैं, तो वहीं पाकिस्तान के फैंस और मीडिया के गले से हार नहीं उतर रही है। दोस्तों, अब खबर आ रही है कि भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आपस में लड़ने लगे। खबर है कि मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में पाक खिलाड़ियों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक भारत के हाथों करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में खास बवाल हुआ। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक भारत के हाथों करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में खासा बवाल हुआ। कप्तान सरफराज अहमद ने चार खिलाड़ियों के नाम लेकर उन पर गुटबाजी का आरोप लगाया है और रिपोर्ट के मुताबिक शोएब मलिक टीम के बाकी खिलाड़ियों को कप्तान के खिलाफ भड़का रहे हैं। बताया जा रहा है कि मैच के बाद पाक टीम जैसे ही ड्रेसिंग रूम में पहुंची, बहसबाजी शुरू हो गई। उस वक्त मैनेजर तलत अली के अलावा हेड कोच मिकी आर्थर और उनके सहयोगी भी मौजूद थे और सरफराज ने हार का ठिकरा सीनियर तेज गेंदबाज वहाब रियाज, ओपनर इमामुल हक, मध्यक्रम के बल्लेबाज बाबर आजम और ऑलराउंडर इमाद वसीम पर फोड़ा। अखबार के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सरफराज ने इन प्लेयर्स पर पूरी ताकत और मेहनत से न खेलने का आरोप लगाया। सरफराज ने कहा कि टीम में गुटबाजी की जा रही है। कप्तान सरफराज अहमद ने इमाम वसीम पर बड़ा आरोप लगाया है। सरफराज का कहना है कि इमाम वसीम पाक क्रिकेट टीम के कप्तान बनने के लिए दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। सरफराज ने शोएब मलिक पर दूसरे खिलाड़ियों को भड़काने के भी आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, सरफराज ने टीम के खिलाड़ियों पर जानबूझकर मैच हारने के भी आरोप लगाए हैं। सरफराज का कहना था कि भारत के खिलाफ मैच जीता जा सकता था, लेकिन प्लेयर्स ने कोशिश ही नहीं की। इस पूरे विवाद के दौरान कोच मिकी आर्थर चुपचाप खड़े रहे और जब बोले तो सिर्फ क्रिकेट पर बात की। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस समय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कितना बवाल हो रहा है। खिलाड़ी एक दूसरे को ही हटाना चाह रहे हैं कप्तान बनने के लिए। वहां कप्तान बनने के लिए मारामारी हो रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।